नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है रामलीला ग्राउंड बर्ड घाट में। एक आश्चर्यजनक किंतु सत एक घटना घटी। कल यहाँ की लाइट को काट दिया गया, कारण स्पष्ट नहीं है। आज पेपर से पता यह चलता है कि चोरी की लाइट जलाई जा रही थी, इसी वजह से लाइट काट दी गई। जबकि लगातार पिछले छह दिनों से यहाँ पर मंचन चल रहा है, रामलीला यहाँ पर उसका मंचन हो रहा है। यहाँ की परंपरा 165 साल की रही है और हम आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं ले जाकर करके 117 साल से आपको इतिहास बताना शुरू करेंगे। 117 साल से यह परंपरा यहाँ की है कि जब तक यहाँ पर दशमी के दिन राघव शक्ति जब तक यहाँ से जाती नहीं है, जो भी राम और सीता और लक्ष्मण बने हुए हैं वो जाकर के दुर्गावाड़ी की दुर्गा पूजा, जो वहां से दुर्गा प्रतिमा आती है भरत मिलाप चौराहे पे, यानी बसंतपुर चौराहे पर जब वो आती है उसकी आरती करते हैं, उसके बाद भरत मिलाप होता है, तभी जाकर के दशहरा का प्रोसेशन पूरा होता है। आज यहाँ पर रामलीला कमेटी के लोगों में आक्रोश है कि क्यों इस तरह से किया गया। ऑफलाइन बात करने पे ये भी पता चला कि यहाँ पर सफाई नहीं हो पा रही है, यहाँ पर प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। पता करने पे ये पता चला कि यहाँ के जो लोकल पार्षद हैं लाली गुप्ता, उनके जो पार्षद पति हैं दिनेश गुप्ता जी, वो यहाँ पर अड़ंगा लगाए हुए हैं। क्या वजह है ये वही बेहतर बताएंगे। क्या मामला है, क्यों यहाँ पर रामलीला नहीं हो रहा है, या इस तरह की चीजें हो रही है, लाइट कट जा रही है, या व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, आखिर क्या 117 साल की हम परंपरा को छिन्न भिन्न करने की कोशिश क्यों हो रही है? देखिए, ये छिन्न भिन्न करने की कोशिश क्यों हो रही है ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी, ये 7वीं पीढ़ी मेरे परिवार की है जो यहाँ सेवा कर रही है, और आप इतना सुंदर जो मैदान देख रहे हैं वो पूज्य महाराज जी के ही सहयोग से बना हुआ है। हम लोग यहाँ कार्यक्रम करते हैं, अपने सनातनी धर्म को जिंदा कर रखे हैं, अपने बच्चों को अपने समाज से जोड़ रखे हैं। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि कार्यक्रम ना हो? केवल ये इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। पहले तो हम लोगों का गेट नहीं लगने दिया गया कि मैं गेट लगेगा तो व्यवधान होगी रास्ते की, फिर साउंड नहीं बनने दिया गया कि साउंड प्रदूषण होता है, हम लोगों ने उसको भी बर्दाश्त किया। नगर निगम के द्वारा सफाई नहीं होने दिया गया, क्योंकि पार्षद लोकल थे, सफाई नहीं होने दिया गया। उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा कि हमारे दो कलाकार डेंगू से पीड़ित हैं, आज उनको ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहा है, आप चाहें तो उनसे भी मिल सकते हैं। आपने जिक्र किया गेट नहीं लगने दिया जा रहा है साउंड, क्या ये पहली बार तो अलग रहा था क्या? नहीं, ये महाराज जी आज मैदान 5 साल हुआ है, 3-4-5 साल बने हुए, उससे पहले से भी हम लोग गेट बनवाते चले आए हैं जब ये खुला मैदान हुआ करता था, और ये मैं क्या मेरे बाप दादाओं के समय से ये बनते और लगते चला आ रहा है। अगर ये परंपरा रही है तो कोई नई परंपरा तो आप ऐड नहीं कर रहे हैं? कोई नई परंपरा हम लोगों ने ऐड नहीं किया, तो फिर विरोध क्यों? क्योंकि वो लोकल पार्षद हैं, लोकल पार्षद होने के नाते वो तरह तरह से व्यवधान पैदा करते हैं। क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि एक, क्योंकि हर हिंदू ये चाहता है कि हमारा त्यौहार है, त्यौहार विवादित ना हो, किसी तरह से हम अपना त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मना लें। हम लोगों ने उसको पूरा निभाने की कोशिश की, गेट भी नहीं लगा, लोकल 14-14 साउंड बनते थे, वो एक भी साउंड नहीं बना गया। अब आप हमसे कैसा सहयोग मांगते हैं? उसके बाद भी प्रशासन, हम लोगों को जैसा सहयोग चाहिए, हम पुलिस प्रशासन की बात नहीं करते हैं, हम उस कमेटी की बात करते हैं जो नगर निगम की है, ADM ई साहब हैं, ये लोगों से जो सहयोग प्रशासन से मिलती आ रही थी वो कोई सहयोग हमारे कमेटी को नहीं मिल रही है। आज हम लोगों ने मन पे पत्थर रख के आज ये डिसीजन लिया कि हम अपने कार्यक्रम को नहीं करा पाएंगे। हाँ, अगर प्रशासन कराना चाहे तो हम उनका सहयोग करेंगे, लेकिन हम लोग अभी ये कार्यक्रम नहीं कराएंगे। अगर हम बिजली चोर हैं, जैसा कि अभी आपने पेपर पढ़ा, आज सुबह हम लोग भी पेपर पढ़े, मालूम चला कि हम लोग बिजली चोरी करते थे। अरे भाई, 5 किलोवाट का हमने लोड लिए रखा है, 10 किलोवाट का कनेक्शन का अप्लाई करके उसका पैसा जमा कर रखे हैं, किस बात का चोरी कर रहे हैं? 65 KVA का जनरेटर रखे हैं, उस तेल को जला के हम लोग यहाँ कार्यक्रम करते हैं, किस बात का हम चोर हैं? जो नगर निगम से लाइटें जलती हैं, वो नगर निगम से जल रही है उसको वो कटवाते हैं और कहते हैं मैं बिजली चोर हूँ। अगर मैं बिजली चोर हूँ तो मेरा यहाँ कमेटी बैठी हुई है और इस आशय के साथ बैठी है, अगर पेपर ये कहता है कि मैं चोर हूँ तो अविलंब प्रशासन हमारी गिरफ्तारी करे। अगर हम नियम नियमावली की बात करें तो इस तरह का कोई भी प्रोसेशन होता है, कोई जुलूस होता है या कोई आयोजन होता है तो उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को या स्थानीय जो प्रशासन उसको दिया था, तो इसकी सूचना तो आपने दी होगी ना? देखिए, 29 तारीख से कार्यक्रम यहाँ शुरू हुई है, 20 तारीख के अनरिकॉर्ड हमारे पास पेपर मौजूद है, सारे अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई थी कि फला डेट से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, फला डेट से हमारी बराते होंगी, फला डेट में भगवान का राज्याभिषेक होगा। कोई ऑब्जेक्शन उस वक्त नहीं था प्रशासन द्वारा? किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया और अभी भी नहीं आया है। जो भी व्यवधान पैदा किया जा रहा है वो लोकल पार्षद और उनके सहयोगियों द्वारा पैदा किया जा रहा है। प्रशासन से आपकी कुछ बात हुई इस सिलसिले में? देखिए, प्रशासन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ CO साहब अभी तक आए थे
हम लोगों ने सीओ साहब से यही कहा है कि हम लोग सनातनी परंपरा को निभा रहे हैं और शांति ढंग तरीके से अपने भगवान की आरती करके और अपने प्रभु के चरणों में हम लोग बैठे हुए हैं और अपनी बात कहने के लिए हम अपना मंच लगाए हुए हैं। तो क्या अभी जो आप जिस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं, क्या अब मंचन नहीं होगा या आगे जो भी कार्यक्रम होने वो अभी होने होता हुआ दिख नहीं रहा? देखिए, आप भी समझ रहे हैं कि मंचन कैसे होगा। हम चोर भी हैं, हम चोरी भी कर रहे हैं और हम मंचन भी करावें, कैसे करावें? सवाल यहाँ पर आस्था से जुड़ा हुआ है। चंद लोगों के चक्कर में एक इतना बड़ा आयोजन जो 165 साल से आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, उसको रोकना क्या उचित है? सर, बिल्कुल उचित नहीं है। अगर हम लोग सोचते कि हम इस प्रोग्राम को रोक देंगे तो ये हम पहले से करते जब हमारा गेट नहीं बना, जब हमारे साउंड बॉक्स नहीं बांधने दिए गए। हम लोगों ने हर चीज को बराते हुए चीजों को आगे चला रहे थे, लेकिन आज पेपर में जब ये निकाल दिया गया कि संस्था चोर है और चोरी की लाइट जलाती है, ये कहाँ तक न्याय उचित है आप बताइए? अगर हम चोर हैं तो आप प्रूफ कीजिए ना, मेरा बिजली का बिल जमा है, मेरा लीगल अगर है। अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है या पेपर में निकल रहा है या कोई बोल रहा है तो उसके पीछे कोई एविडेंस होगा ना? बिजली विभाग ने आपको कोई नोटिस जारी की होगी ना? मैं वही कहना चाहता हूँ कि बिजली विभाग कोई नोटिस नहीं जारी की, लाइन काट दी, जब इसका विरोध किया गया तो लाइन भी जुट गई। अगर ये नहीं है तो आप कैसे कल्प्रिट हुए, आप कैसे जो है दोषी? अच्छा, एक बात बताइए, आप मीडिया से लोग हैं, मीडिया ही जनता को जगाने का काम करती है। आज पूरे समाज में सारे पेपरों में ये छापा जाता है कि बल्ड घाट की सबसे पुरानी रामलीला बिजली चोरी कर दी। आप बताइए कि यही संदेश तो आप देते हैं, आप ही तो बताते हैं कि हम सही हैं या गलत हैं। जब आप मुझे गलत साबित कर रहे हैं तो मैं अपने आप को सही कैसे साबित करूंगा? आप ही के माध्यम से ना बताऊंगा कि साहब मैं चोर नहीं हूँ, अगर मैं चोर हूँ तो मेरी गिरफ्तारी की जाए? मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि मैं अगर चोर हूँ तो मेरी गिरफ्तारी की जाए, और मैं शासन का सहयोग कर रहा हूँ, वो आवे कार्यक्रम करावे, मेरी पूरी कमेटी उस शासन के पीछे खड़ी रहेगी इस कार्यक्रम को कराने की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी और गोरखपीठेश्वर योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका इस रामलीला मैदान पर बहुत बड़ा हाथ है उनका यहाँ पर, उनसे कुछ वार्ता वार्ता हुई इस सिलसिले में? नहीं, अभी तो चूंकि हमारे अध्यक्ष जी ने अभी शाम को ये बातें कही हैं और अभी मंदिर से वार्ता चल रही है हमारी, और हो सकता है कि अभी हम लोग वहाँ यहाँ के बाद वहाँ भी जाएं और अपनी बातों को महाराज जी तक रखेंगे कि एक लोकल पार्षद प्रशासन पे कितना भारी हो गया है कि जो सामाजिक कार्य है उस कार्यों को अवरोध करने के लिए वो इन प्रकरण सारी व्यवस्थाएं कर रहा है और प्रशासन भी उसका सहयोग कर रही है। अगर मान लीजिए आपकी बात नहीं मानी जाती है, हम एक मिनट के लिए फर्ज करें, दो दिन सिर्फ आखिरी रह गए हैं, आज महत्वपूर्ण रात, कल फाइनल, तो क्या होगा अगली रणनीति क्या होगी? नहीं देखिए, ना मानी जाए ऐसा नहीं है, महाराज जी हमारे बड़े दयालु हैं और इतनी बड़ी इस मैदान की रूपरेखा भी महाराज जी की ही देन से हुई है। हम लोग जानते हैं कि महाराज जी ऐसी कोई भी व्यवस्था या व्यवधान नहीं फैलने देंगे और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसा हम लोग जानते भी हैं और ऐसा महाराज जी की मंशा भी रहती है कि किसी भी गलत को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि महाराज जी के कानों तक ये सब बातें जाए और महाराज जी दोनों लोगों को बुलावें। अगर मैं दोषी हूँ या हमारी टीम दोषी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, अगर हम लोग दोषी नहीं है तो ऐसे व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर रामलीला कमेटी का साफ कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं होती है तो हम अभी फिलहाल स्थगित किए हैं, अगर शासन चाहता है या प्रशासन चाहता है, उनके आला अधिकारी यहाँ पर आते हैं तो हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, उनके देख रेख के अंदर हम सहयोग करेंगे और यहाँ पर मंचन भी होगा और कल जो है राघव मिलन भी होगा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि 165 साल की परंपरा क्या सिर्फ एक आदमी की वजह से खंडित हो रही है? सवाल ये है कि 117 साल का जो राघव मिलन होता आ रहा है वो एक आदमी की वजह से खत्म हो जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये उस शहर की बात है जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, शासन के कान पर जू नहीं रेंग रहा है, किस तरह से ये न्यूज कहाँ फ्लैश हुई, कैसे फ्लैश हुई, सवालिया निशान है। क्या प्रशासन इस पर कोई एक्शन लेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या रामलीला कंटिन्यू होगा या कल राघव मिलन हो पाएगा कि नहीं होगा, ये तो अधर में है सवाल। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।